हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत स्टडी। आज आम क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर बुक रो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आलोचना करवा। चलो आरंभ करवा। देखो पिलाने ये किसी सेंटेंस दीची, धरणीधर इज ए पॉपुलर पोएट, डू यू नो हिम, हाउ ब्यूटीफुल हिज पोएम्स आर, लेट्स मीट हिम टुडे। तो ये चारोटी सेंटेंस दीची। देखो तो प्रथम सेंटेन्सटा कौन ना गोटे स्टेटमेंट को दर्शाऊँ, तेणु यहाँ गोटे कौन है ना यहाँ गोटे स्टेटमेंट बा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या को आम कह बुझी। क्लियर बुझीगला पिला। नेक्स्ट डू यू नो हिम, यहाँ कौन क्वेश्चन, तुम्हें ताको जानो कि ये क्वेश्चन करा तेणु यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल हिज पोएम्स आर, तो ये कौन एक्सक्लामेशन मार्क लगी, तो यहाँ कौन कह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य जेटा कह आम कौन कह विस्मय सूचक वाक्य बुझीगला। लेट्स मीट हिम टुडे, ये सजेसन दिया मतामत दिया, तेणु ये मध्य कौन ना गोटे सजेसन बा इंपारेटिव सेंटेंस या को आम कौन कह इंपारेटिव सेंटेंस बुझीगला पिलान, या को कह इंपारेटिव सेंटेंस। तो ताने यूँ आम जापरचे पिलाने सेंटेंस हूँ चारि प्रकार, फोर टाइप रो चारि प्रकार सिंपल सेंटेंस को यहाँ भाग कराई। पुणी सिंपल सेंटेंस कौन ता विषय आलोचना करवा। तो आगे चारि टाइप गुड़िक मुझे कौन कौन ना प्रथम हूँ कौन ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव। क्लियर, प्रथम हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तापर हूँ कौन पिलाने इंटरगेटिव, तापर हूँ इंपारेटिव, नेक्स्ट हूँ एक्सक्लामेटोरी। क्लियर एक्सक्लामेटोरी, एगुड़ी आम डिटेल आलोचना करा या पर जस्ट पर। क्लियर, तो प्रथम आम जान लुवा सिंपल सेंटेंस कौन, सिंपल सेंटेंस कौन। तो सिंपल सेंटेंस क्या कह ना सिंपल सेंटेंस ए सेंटेंस कनसीस्टिंग ऑफ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वैल्यू इज ए सिंपल सेंटेंस। गोटे सब्जेक्ट रो, गोटे सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट रो, आउ कौन रो ना वन फाइनाइट वैल्यू, ताको आम कह कौन सिंपल सेंटेंस बुझीगला पिलाने। गोटे सब्जेक्ट रो, गोटे फाइनाइट वैल्यू, ताको आम कौन कह सिंपल सेंटेंस बुझीपाल। तो ताने सब्जेक्ट तो जानी पिलाने, सब्जेक्ट आम पढ़ीचे तो सब्जेक्ट तो जापर। तो फाइनाइट वैल्यू, ये फाइनाइट वैल्यू कौन, तो फाइनाइट वैल्यू कौन एक्चुअली पिलाने फाइनाइट वैल्यू मन रख जेटा को आम ओडिया कहे समापेक्षा क्रिया। तो फाइनाइट वैल्यू हूँ ताको आम फाइनाइट वैल्यू कहवा जो वर्बटी, जो वर्बटी बा क्रियाटी पर्सन नंबर एवं टेंस अनुसार परिवर्तित होता है, पर्सन और नंबर एवं टेंस अनुसार परिवर्तित होता है, ताको आम कौन कह फाइनाइट वैल्यू। मन रहा पर्सन नंबर एवं टेंस अनुसार, एग्जांपल मन करो आम ये नवा गोटे कौन आई प्ले, आई प्ले, आई प्ले। क्लियर, आई प्ले यहाँ ना आई प्ले, तो ताने ये है सब्जेक्ट, ये है कौन भार्व। तो ताने ये जेहेतु गोटे भार्व अच्छी, गोटे भार्व थी सी ही फाइनाइट भार्व। क्लियर, सी ही फाइनाइट भार्व बुझीपाल। तो ये देख पाने फाइनाइट भार्व को केमती चिन्हवा, मुझे कहली पर्सन नंबर आ टेंस अनुसार। देखो ये धर हि ये चेंज कली, देखो पिला फर्स्ट पर्सन थी ये थर्ड पर्सन कली, हि कने कौन हो प्लेज हो, हि प्लेज हो पिलान चेंज है कि ना प्ले भार्वटी कौन हो ना प्लेज हो चेंज है। तो एथरु आम जापरचे ये कौन हो फाइनाइट भार्व। क्लियर, यहाँ हूँ फाइनाइट भार्व बुझीपाल। से भाया धर तार कौन करवा ना ये टेन्स चेंज करद, टेन्स चेंज कर हि प्लेड फास्ट्रे लिखा धर कौन है जो ही प्लेड बुझीपाल, ही प्लेड बुझीपाल ना पे तो प्लेड ही गला। तो ये चेंज हो गला से प्ले भार तो ये कौन हो गला प्लेड ही गला। से भाई नंबर अनुसार चेंज हो सिंगुलर नंबर ये जमती आम नहीं पार, सपोज हि ये ना प्ले प्लेज है ही प्लेज, तो हि अच्छे ये आम कौन कर पुल्लाल कर दे करवा दे कौन है जो प्ले हम। तो ये कौन है आमर नंबर चेंज है, नंबर चेंज है। क्लियर, से ही थिला एक वचन थिला सिंगल सिंगुलर नंबर थिला, ये पुल्लाल नंबर आसला तो ये प्ले हो गला। क्लियर, मैंने ये भावटा कौन हो चेंज करने पर्सन चेंज कला बेलू ये नंबर चेंज कले, नंबर चेंज कला बेलू ये चेंज हो, तेणु जेहेतु चेंज हो तेणु यही भावटा को आम कौन कह फाइनाइट वैल्यू बुझीगला। आउ गोटे पिलाने मन रख फाइनाइट वैल्यू वाक्यटा जिते बड़ होता ना कहीं, जदि अनेक गुड़े भार्व थी फास्ट भार्वटा हो फाइनाइट भार्व, फास्ट भार्वटा
फास्ट भार्ब का कौन हो पिलाने फाइनाइट भार्ब बुझीगला। फास्ट भार्ब टा पिलाने कौन हो फाइनाइट भार्ब बुझीपारलो। तो फाइनाइट भार्ब जानीपारल तो ताने सिंपल सेंटेंस तो आम डिस्कशन कले जे गोटे सब्जेक्ट थी वन सब्जेक्ट थी आउ वन फाइनाइट भार्ब थी बुझीगला ताको आम कौन कह सिंपल सेंटेंस बुझीगला। तो से भाया ये देख पे ये किसी एक्टिविटी एक्टिविटी 25 को आस मेक फाइव सिंपल सेंटेंस यूजिंग दि फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स। ये फाइनाइट वर्ब को लेकिन सेंटेंस तैयार कोई पांचटी सेंटेंस देख ये पाँचटा दे तो प्रत्येक को लेकिन गोटे गोटे सेंटेंस तैयार तो इट्र दे देख पे दि कैट एट माइ सुपर लास्ट नाइट। तो ये देख पे एट कर सिंपल पास्ट्रे कर गोटे ही वर्ब अच्छे तेणु यहाँ कौन फाइनाइट वर्ब बुझीपाल पे ये फाइनाइट वर्ब बुझे से भाया ये आम कौन करवा ना फाइनाइट को फाइनाइट वर्ब हिसाब से नहीं सेंटेंस टी गढ़िया क्लियर। देख पे ताने एक्टिविटी 25 वर्तमान करवा युग फाइनाइट वर्ब हिसाब से नहीं आरंभ करवा बर्तमान प्रथम देखिए देख ब्रिंग ब्रिंग को लेकिन आम सेंटेंस तैयार कौन लिखा पे आई ब्रॉट ब्रॉट ए बाइसाइकल बाइसाइकल यस्टरडे बुझीगला। तो ताने ये ब्रोट हो गला पास्ट्रे करदे पे आम सिंपल पास्ट्रे ब्रिंग रास्ट कौन बुझे ब्रोट पी आर ओ यू जी एच टी क्लियर। तो सहीटा को आम लिखीदे बर्तमान यहाँ कौन हो गला ना यहाँ फाइनाइट वर्ब हो गला ब्रिंगटा क्लियर तार पास्ट फॉर्म जेहत कल तेनाली ब्रोट लिखे बुझीगला। तो यहाँ गोटे सेंटेन्स आम लिखीदे नेक्स्ट तापर दे देख पे फाइंड दे तो फाइंड को लेकिन बर्तमान गोटे सेंटेन्स तैयार या फाइनाइट वर्ब हिसाब ना से भाई आम लिखिपर ताने आई फाउंड ए की आई फाउंड ए कौन लिखा ना आई फाउंड ए की ऑन दी वे टू माय स्कूल क्लियर। यहाँ से कौन हो गला फाइनाइट वर्ब हो गला बुझीगला। नेक्स्ट से भाया देखिए गिव ए भाई तुम्हें मैंने अदर एग्जांपल नहीं पार क्लियर गिव दे गिव को लगे से भाया धर आम लिखा कौन ना ही गेव मी ए गिफ्ट ही गेव मी ए गिफ्ट क्लियर बुझीगला। तो ये यहाँ हो गला कौन फाइनाइट वर्ब बुझीगला गिव को आम फाइनाइट वर्ब हिसाब से यूज करके कौन कले सेंटेंस तैयार। नेक्स्ट देख पे टीच तो से भाया यहाँ लिखिपर कौन लिखा ना मिस्टर एके महापात्र मिस्टर एके महापात्र टीचर्स TECHES पे टीचर्स आस मैथमेटिक्स वेल क्लियर। तो ताने ये आम कौन कले जेहेतु प्रेजेंट सिंपल ले कले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थी आम भार्ब रे एस और इएस बस टीच भार्ब रे इएस बस कले तो ताने ये गोटे भार्ब के रोच टीचर्स तो ताने ये गला कौन फाइनाइट भार्ब बुझीगला। तो यहाँ होगा तार एग्जांपल बुझीगला। नेक्स्ट राइट कुल राइट भार्ब यूज करके आम गोटे कौन करवा सेंटेंस लिखा ताने आम कौन लिखा यहाँ को भी सही करद आई राइट से भाया तुम्हें अदर एग्जांपल भी नहीं पार ताने आम एग्जांपल ना आई राइट ए पाराग्राफ पाराग्राफ क्लियर बुझीगला आई राइट ए पाराग्राफ रेगुलरली बुझीपाल पे आई राइट ए पाराग्राफ रेगुलरली। तो ताने होगा यहाँ गोटे एग्जांपल तो राइटा ये फाइनाइट वर्ब हिसाब से यूज कले क्लियर बुझीपाल ताने आम जान लें सिंपल सेंटेंस हूँ केत प्रकार ना चार प्रकार डिक्लारेटिव इंटरोगेटिव इंपारेटिव एक्सक्लामेटोरी यही सिंपल सेंटेंस को चार भाग में विभक्त करते भाग में विभक्त कराने चार भाग में क्लियर से भाई कंपाउंड आउ कम्प्लेक्स रही कंपाउंड सेंटेंस आउ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड आउ कम्प्लेक्स सेंटेंस विषय में आम नेक्स्ट 10 क्लास रे आम आलोचना करवा 10 रे सेटा अच्छी क्लियर। तो ये तुम केवल सिंपल सेंटेंस विषय में अच्छी तो सहीटा को आम आलोचना करवा क्लियर। तो ताने ये आम कौन कले चार भाग में विभक्त करदे बर्तमान तेज देखा डिक्लारेटिव सेंटेन्सटा कौन डिक्लारेटिव सेंटेन्स कौन ये देख पे किसी एग्जांपल दे सन राइजेस इन द ईस्ट
द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए। तो यहाँ है फैक्ट पे, यहाँ है फैक्ट बुझीगला, यहाँ हूँ सत्य बुझीगला। तेणु यहाँ गोटे होगा कौन डिक्लेरेटिव, इट मे ए रेन टुडे, ओपिनियन दिया हूँ बर्षा हो पाए। तो ताने यहाँ भी होगा कौन पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कौन हम पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझीपाल। नेक्स्ट ताने डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस गुड़िक सिंपली कौन कैर ना युड़ फैक्ट को दर्शाए बा कौन सी ओपिनियन मतामत को दर्शाए, बुझीगला सत्य मतामत को दर्शाए। सेटा को आम कौन कह जो सेंटेन्स गुड़िक सत्य कौन सी मतामत को दर्शाऊ आम कौन कह डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जापार क्लीअर बुझीगला डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो गुड़ आम कौन कौचे स्टेटमेंट कौचे, बुझीगला पे स्टेटमेंट बा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझीगला। तो ये देख पे देखिए ये माय फ्रेंड विषय लिखाई किसी देख लिखाई मनी इज माय फ्रेंड लिखाई देख मनी इज माय फ्रेंड सी हेज गॉट शॉर्ट हेयर हार आईज आर ब्लू सी ऑलवेज वेयर्स कॉटन ड्रेस मनी इज ऑलवेज हैप्पी एगुड़ लिखाला। तो युग सब कौन पे एगुड़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझीपाल पे। तो चलो ताने एक्टिविटी 26 को करवा। नाउ राइट फाइव डिक्लेरेटिव सेंटेंस अबाउट योर पेट डॉग, तुम्हारा पेट डॉग विषय में पांचटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखापी कौच। तो लिखिपर पे लिखिपर यटाक देख तान केमती लिखा माय पेट डॉग। तो ये हिंट्स दे दीजिए टीपू तार से पेट डॉग रो नाम टीपू। तो ये कौन लिखा तान लिखा द नेम ऑफ माय पेट डॉग इज टीपू लिखा द नेम ऑफ माय पेट डॉग इज टीपू द नेम name of my pet dog is Tipu clear the name of my pet dog is Tipu bujhipallo pilan next tapra deji kon hints deji long body bushy tail tane kon likha pilan it has a long body it has a long body it has a लॉन्ग बॉडी लॉन्ग बॉडी एंड बुशी टेल एंड बुशी टेल क्लियर बुझीपाल। नेक्स्ट देखो रेड दीजिए पिलाने रेड ताने कौन लिखा ता माने रेड कलर एट बेल्टा बेकर लगे देखो पिलाने। तो कौन लिखा ताने देयर इज ए रेड स्ट्राप से स्ट्राप कह देयर इज ए रेड स्ट्राप राउंड हिज नेक देयर इज ए there is a red strap strap red strap round his neck यानी सीखे क्लियर बुझीपाल तेने देयर इज ए रेड स्ट्राप राउंड हिज नेक तापर डेस ब्रेकेट दे टेक्स मीट एंड मिल्क कौन हो ना इट टेक्स मीट एंड मिल्क इट टेक्स मीट एंड मिल्क क्लियर एंड मिल्क बुझीपाल पा। नेक्स्ट देख तापर फेथफुल दीजिए तो कौन लिखा इट इज भेरी फेथफुल। तो ये आम किसी कौन कले ना सिंपल सेंटेंस लिखिदेले बुझीगला पे। तो युग था कौन ना माय पेट डॉग विषय में किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देख पे इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन इंटरोगेटिव सेंटेंस बाकी आम कौन कह ना क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन युड़ क्वेश्चन कराए प्रश्नवाचक वाक्य जगह बुझीगला। तो प्रश्नवाचक वाक्य तो तार लास्ट में कौन लगी पे शेष क्वेश्चन मार्क लगी था बुझीपाल क्वेश्चन मार्क। ये देख लुक एट दि फलोइंग युग देख तले कि सेन्टेन्स दिखाई डाज सीता सिंह वेल इज हि नॉट सीरियस एट वर्क व्हेयर डाज मिस्टर मोहंती लिव व्हाई वाज मीरा एबसेंट फर सच ए लॉन्ग टाइम। तो युग सब कौन क्वेश्चन वाक्य गुड़क इंटरोगेटिव सेंटेंस युग आम कौन कह इंटरोगेटिव क्वेश्चन कराई थो प्रश्नवाचक ये प्रश्न कराई देख पे डाज टाक को जाइए सब्जेक्ट रही है खेल तेनाली क्वेश्चन कराई तो क्वेश्चन तेनाली कह इंटरोगेटिव क्लियर
ये से भाई क्वेश्चन कराक भी इंटरोगेटिव कहवा से भाई ये चार्टा सारा कौन कर क्वेश्चन कर तो युड़क इंटरोगेटिव नेक्स्ट चलो पे इंपारेटिव सेंटेंस कौन इंपारेटिव तो इंपारेटिव सेंटेंस कौन एक्चुअली देखा तेज इंपारेटिव सेंटेंस देखो इंपारेटिव सेंटेंस क्या कहवा पे इंपारेटिव सेंटेंस साधारण कौन करता है ना गोटे ऑर्डर प्रकाश करता है किसी आदेश अनुरोध एवं उपदेश कमांड बा निर्देश प्रार्थना प्रेयर दे देख पे प्रार्थना एवं मतामत एवं सतर्क एवं किसी गुड विशेष बुझे युड़क एक्सप्रेस करता है क्यों प्रकार सेंटेन्स गुड़ इंपारेटिव सेंटेन्स गुड़ बुझीगला इंपारेटिव सेंटेन्स सब्जेक्टा लुचिक थाए यू थाए से लिखा जाए बुझीगला आगर भी आम डिस्कसन करे इंपारेटिव सेंटेन्स सब्जेक्टा न था अर्थात लुचिक थाए यू थाए यूटा लुचिक थाए बुझीपाल से इंपारेटिव सेंटेन्स यही वाक्य गुड़ सब इनक्लूड करता जो वाक्य गुड़िक अर्डर थी रिक्वेस्ट एडवाइस कमांड प्रेयर सजेसन वार्निंग गुड विशेष क्लियर तो देखो ये किसी दे पे ड्राइव स्लोली धीरे गाड़ी चलाओ बुझी बा धीरे धीरे चलाओ वेट ए मिनिट गोटे मिनिट अपेक्षा करो वेट ए मिनिट इंपारेटिव देखो पे डायरेक्ट बाहर आरंभ हो डायरेक्ट बाहर आरंभ हो गो देयर एडवांस गो देयर एडवांस ये भी इंपारेटिव लेट्स गो ऑन ए पिकनिक ये भी इंपारेटिव Give a push, please. ये भी imperative. Do well. ये भी सब ये सब गुड़ कौन imperative sentence रो example. बुझीगला तो चलो ताने activity 27 को जीवा Choose the correct imperative expression from the box for each situation. प्रत्येक situation पाई कौन कौन ना box रे किसी imperative sentence दिया है जी बा expression दिया है जी सही गुड़ को नहीं कि blank को बा शून्य स्थानों को पूरण करियो जोठी जेटा बस उपयुक्त हे सही नहीं आम कौन करवाईटा को लिखा क्लीयर क्वेश्चन नंबर वन डैश इट्स गोइंग टू बी लेट ताने कौन एटा लेट हो जाने कौन शीघ्र कर बी क्विक ये लिखा इंपारेटिव एक्सप्रेशन टा कौन बी क्विक क्लीयर बी क्विक प्रथम डैश्रे नेक्स्ट व्हाई आर यू एफ्रेड यू कैन सक्सीड व्हाई आर यू एफ्रेड यू कैन सक्सीड तुम्हें कहीं भयभीत हो डर यू कैन सक्सीड तुम्हें सफल हो पार डैश मैंने कौन फॉलो मी मत अनुसरण कर कौन हो फॉलो मी ये जो इंपारेटिव फॉलो मी क्लियर ये लिखा तेने कौन फॉलो मी ए सेकेंड डैश्रे हम फॉलो मी बुझिपाल यहीटा फॉलो मी क्लियर नेक्स्ट वी हैव बीन सिटिंग हियर ऑल द मॉर्निंग डैश तेने कौन हो वी हैव बीन सिटिंग हियर ऑल द मॉर्निंग आम सका सारा कौन कर बस आसुअ तो ताने कौन चलो टे चली आसवा लेट्स हैव ए वाक ये जो लेट्स हैव ए वाक इंपारेटिव सेंटेंस लेट्स हैव ए वाक हैव ए वाक क्लियर बुझीपाल नेक्स्ट द बॉय इज क्राइंग बालकटी कांदुची तो कौन प्लीज कौन हो बालकटी कांदुची तक कौन कर साहय कर हेल्प हिम बुझी तेजो हेल्प हिम ये जो कौन इंपारेटिव एक्सप्रेशन टा हेल्प हिम क्लियर एच आई एम बुझीगला हेल्प हिम नेक्स्ट तापर देखो सी यू टुमोरो है काली देखा हो सी यू टुमोरो तो तापर कौन लिखा था डू कम ये हम डू कम है डू कम बुझी डू कम बुझीपाल ताने ये डू कम सरगला नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बा विस्मय सूचक वाक्य एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कह विस्मय सूचक वाक्य कौन कह विस्मय सूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य क्लियर विस्मयता प्रकाश करवा बुझीगला देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज आह केते सुंदर फुलटी केते सुंदर व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज फुलटी केते सुंदर तो ये एक्सप्लेनेशन आम आश्चर्य विस्मयता प्रकाश कले से विस्मय सूचक चिन्ह लगी फुलटी केते सुंदर ता पचर कौन लगी विस्मय सूचक चिन्ह बुझीपाल तो यहाँ हो गला आम कौन कहे एक्सक्लामेटोरी मार्क कौन कह एक्सक्लामेटोरी मार्क बुझीगला ये चिन्हटा बुझीपाल नेक्स्ट हाउ नाइसली सी सिंग्स हाउ नाइसली सी सिंग्स से केते सुंदर गाए तो ताने ये कौन विस्मयता प्रकाश कर तेणु एक्सक्लामेटोरी मार्क चिन्ह लगी लास्ट एक्सक्लामेशन बुझीगला तो यही सेंटेन्स गुड़क आम कौन कह एक्सक्लामेटोरी से भाया देखिए ह्वाट ए स्प्लेंडेड साइट
से भाया ये अनेक गुड़िया देख हुरा वी ओन दि मैच ये देख एक्सक्लेमेशन मार्क लगी क्लीयर हाउ हार्ट ब्रेकिंग दि न्यूज इज हाउ हार्ट ब्रेकिंग दि न्यूज इज ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगी से भाया देखिए ह्वाट ए ट्राजिक एक्सीडेंट ये भी एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स ह्वाट ऑन आर्थ ये भी एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स आलास द मेन इज डेड तो ताने आम ये कौन जानले ना एन एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स एक्सप्रेसेस ए फिलिंग अफ सरप्राइज पेन डिस्गस्ट और एक्साइटमेंट ताने एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सटा कौन ना ये गोटे फिलिंग अफ सरप्राइज सरप्राइज आश्चर्य होवार गोटे फिलिंग देख कौन पेन कि जंत्रणा कि कौन डिस्गस्ट विरक्तिकर कि कौन खुशी उत्तेजन तो ये गुड़क आम कौन करना कही था बुझीगला यही एक्सप्रेसन गुड़क आम प्रकाश करलीयर इट इज जेनराली ए साडेन सर्ट क्राए मोस्टली अटर्ड विदाउट ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो यहाँ तेने कौन जेनराली साडेनली यहाँ कौन कराई था ना उच्चारण कराई था साडेनली यू आम कही था क्लीयर तो ताने यहाँ कौन ना विदाउट ए सब्जेक्ट एंड दि प्रेडिकेट बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट आम यू कौन कर उच्चारण करदे था एक्सक्लेमेटिव सेन्टेन्स जो आरंभ हुए से साधारण हाउ नए ह्वाट लगे हाउ कि ह्वाट लगे आम कौन कर एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सटा लिखे तो हाउ पर साधारण पे कौन कर एडजेक्टिव बा एडभार्व को नब ह्वाट थी पे नाउन फ्रेज को नब सर्टर एनपी लिख दूसरे पे ह्वाट थी नाउन फ्रेज को नब बुझिपाल ये लिखाई देख बिगिन्स विथ हाउ आइदर एन एडजेक्टिव और एडभार्व कम्स आफ्टर इट जदि एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्सटा हाउ रु आरंभ होने पर गोटे एडजेक्टिव कि एडभार्व आस जदि से ह्वाट रु आरंभ होने पर गोटे नाउन फ्रेज आसपुर नाउन फ्रेज तेने आम जाणीगले हाउ पर गोटे एडजेक्टिव आसो ना एडभार्व आस एडभार्व आस ह्वाट पर ह्वाट पर कौन आस पे ह्वाट पर गोटे नाउन फ्रेज सर्ट्रे एनपी लिख दूसरी नाउन फ्रेज आसो क्लीयर किसी एक्जामपल ना पे जापर ये देख दे पे एक्टिविटी 28 को आस ये गोटे एक्जामपल करा को नहीं जा टर्न दि फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ हाउ और व्हाट एट दि बिगिनिंग देख पे हि इज ए भेरी नोटी बॉय हि इज ए भेरी नोटी बॉय ताने यहाँ को आम एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन प्रकाश कने कौन हम पे ना व्हाट ए नोटी बॉय हि इज व्हाट लगे तापर नाउन फ्रेज लगे नाउन फ्रेजटा कौन ए नोटी बॉय हि जो व्हाट ए नोटी बॉय हि इज तापर हि इज लगे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क बुझीगला तो ताने व्हाट तापर ए और एन लगे दूचे जहाँ भी थी सीटी एक्सप्रेसन अनुसार से लगे दूचे तापर एडजेक्टिव रही जाए प्लस नाउनटा रोचे मैं टोटाल यहाँ नाउन फ्रेजटा ये जो रोचे आम अर्डरटा व्हाट रोचे तापर कौन रोच ए बा एन रोज ए और एन प्लस एडजेक्टिव रोच प्लस कौन रोच नाउन रोच तो ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये टोटालटा कौन एटा नाउन फ्रेजटा ना एटा है नाउन फ्रेजटा क्लीयर बुझीपाल तो से भाया ताने आम कौन करवा ना करवा ये इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कौन हम ताने एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स परिणत कने हाउ लगे करवाने हाउ दे दीजिए ये हाउ लगे स्टार्ट कने कौन हम पे हाउ पर कौन लगे पे हाउ पर एडजेक्टिव आसो ना कौन एडभार्व आस तो ये आम देखु ब्यूटीफुल एडजेक्टिव अच्छे तो डायरेक्ट लिखा ताने हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स हाउ ब्यूटीफुल 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 इट लुक्स एमती लिखा देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे दवा क्लीयर एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स इट लुक्स सो ब्यूटीफुल होगा कौन हम हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स क्लीयर से भाया देखिए देवेस इज भेरी इंटेलिजेंट देवेस हूँ बहुत इंटेलिजेंट ताने आम विस्मयता प्रकाश कर हाउ इंटेलिजेंट हाउ पर एडजेक्टिव अच्छी ये इंटेलिजेंट अच्छी बुझीगला एडभार्व थी एडभार्व लगे था तो लिखा हाउ इंटेलिजेंट देवेस इज हाउ इंटेलिजेंट हाउ अच्छी तापर लिखा इंटेलिजेंट हाउ इंटेलिजेंट क्लियर देवेस इज देवेस इज देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दवा क्लियर बुझीगला नेक्स्ट साइना इज एन एक्सीलेंट प्लेयर साइना इज एन एक्सीलेंट प्लेयर तो ये ह्वाट लगे करें ह्वाट लगे ह्वाट पर नाउन फ्रेज आस पे ताने कौन लिखा ह्वाट एन ए और एन लगे ह्वाट एन नाउन फ्रेजा लिखा ना ह्वाट एन एक्सीलेंट प्लेयर एक्सीलेंट प्लेयर साइना इज देखी एक्सक्लेमेशन मार्क दे दवा क्लीयर बुझीगला पे देख से भाया
रोहिम्स पोएम्स आर सो इम्पोर्टाट तो ताने हाउ लगी ताने एडजेक्टिव और एडभार्व आसो तो ये इम्पोर्टाट अच्छी एडजेक्टिव तो हाउ पर ताने एडजेक्टिव डायरेक्ट लिखा हाउ इम्पोर्टाट रोहिम्स पोएम पोएम्स आर लिखि सारिक देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क बुझीगला पाने ताने आम जाने जितेबले भी आम कौन करे ना एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स कनभर्ट करे ह्वाट जो यूज करे ह्वाट पर आम लगे कौन नाउन फ्रेज लगे हाउ यूज कने आम कौन लिखा हाउ यूज कने तापर आम कौन यूज करवा ना एडजेक्टिव नोने एडवर्ब बुझीगला पाने क्लियर बुझिपाल आजपाई एतिक ये थिला आमर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गला आज पे तो जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो गोटे लाइक करो एवं निजर सांगसाथी मान सहित शेयर करो एवं आम चैनल जदि नुआ आम चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे।